करना भिड़ो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टू ब्लॉग्स। तो आज हम आए हैं शांति स्तूप दिखाने के लिए। इसका जो शांति स्तूप यहाँ पे सिर्फ ये मॉडल के तौर पर बना हुआ है, लेकिन दिखने में काफी छोटा था। बाकी अंदर जाएंगे तो और भी कैसा है कैसा नहीं है दिखाएंगे। और इसका जो ओरिजिनल मतलब जहाँ पे आपको एक्चुअल में नजर आएगा ना बड़ा वाला, मतलब मेन वाला, वो आपको मिलेगा लद्दाख में। तो लद्दाख तो अभी जाने का इतना बजट है नहीं, आप लोगों का साथ रहा और सब कुछ रहा तो हम एक दिन जरूर जाएंगे, लद्दाख का भी टूर करेंगे। तो इसमें कोई कही सुनी बातें नहीं है, बस इतना है कि हम जाएंगे आप लोगों का साथ रहा। तो यार तो आप देखते हो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई लोग। बताओ यार क्या करते तुम्हें? यस यार, यार हालांकि हम बकचोदी करते हैं पर यार क्या करें, बकचोदी के अलावा कुछ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है शांति स्तूप। सो गाइस, फाइनली एंटर कर चुके हैं हम विश्व शांति स्तूप को देखने के लिए। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से भी, और वीडियोस में काफ़ी छोटा लग रहा था यार, लेकिन एक्चुअल में हम जब यहाँ पर आए और देख रहे हैं तो काफ़ी बड़ा है ये। और सोचो कि ये जब इतना बड़ा है तो लद्दाख वाला कितना बड़ा हो सकता है। सो एंटर करते हैं गाइस, चलो चलते हैं। और आप देख ही सकते हो कि कितना पीसफुल प्लेस है, और बाकी और भी दिखाएंगे आपको। तो ब्लॉग देखते रहना पूरा, और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर देना। यार फोटो बना यार वहाँ पे, भाई साहब कते जेन्युइन लग रहा है यार। अब सोच ये इतना अच्छा लग रहा है देखने में तो लद्दाख वाला कितना खूबसूरत होगा। ये देखने में ऐसा नहीं लग रहा तेरे को जैसे कि ये वो ज्वालामुखी फटने वाला हो? तो फ्रेंड्स, पहले हम शांति स्तूप देखेंगे, उसके बाद इंद्रप्रस्थ पार्क भी है तो वहाँ भी जाकर आपको दिखाएंगे कैसा है। बाकी वैसे ज़्यादातर ज़्यादा कोई नहीं, वैसे एक तरीके से हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं कैसा इंद्रप्रस्थ पार्क। बस इस भाई को जलन बहुत होगी इसकी, कपल्स वाले ज्यादा है तो देखते हैं इसकी कितनी जलती है। पहले हम शांति स्तूप में एंटर करेंगे, उसके बाद आपको इंद्रप्रस्थ पार्क भी दिखाएंगे, तो बने रहना पूरे ब्लॉग में। तो हम ये वैसे मंदिर है जो कि बुद्ध जी का है, बाकी हम यहाँ जा रहे हैं, पहले हम चप्पल उतारे हैं क्योंकि मंदिर है तो यहाँ पे लिखा भी है कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारे, उसके बाद ही अंदर जाएं। देखो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, खबर स्वयं झूठे की रक्षा करो, रक्षा करेंगे, यहाँ पे ताला चूला लगा देंगे। भाई बहुत गर्म लग रहा है यार, चल अंदर चल के देखते हैं। आ रहा हूँ चल ऊपर, चल कितना मस्त है। ऐसा क्यों लग रहा है नीचे गर्म था सीढ़ी और यहाँ पे वो हो गया? भाई फोटो खींचने के लिए बैठा हुआ लेकिन मैंने वीडियो बना ली। तो गाइज ये मेरे को लग रहा है कि म्यूजियम होगा शायद से, या कोई बैठने का जगह होगा आराम करने का, लेकिन अभी तो फिलहाल बंद है। देखो मेरे को बिल्कुल बंद लग रहा है, और यहाँ पे शायद काम भी चल रहा है, यहाँ पे ये गाड़ियाँ चल रही है डर 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 करके।
तो देखते हैं। और बाकी ये पीछे से हमारे बुद्ध जी ऐसे दिख रहे हैं, अभी खड़े हैं यहाँ पर, वहाँ बैठे हुए थे शायद। वो वाला पेड़ है ना, पीपल का पेड़ के नीचे जो ज्ञान वन की वो करी थी, वो वाली फोटो है ना। शांति स्तूप तो काफी अच्छा है, धूप काफी तेज है जिस कारण से आंखें बंद हो रही हैं। बाकी देखते हैं नीचे जाके, एकदम चेहरे पे ही आ रहा है पूरा। ये उस मंत्र का उच्चारण है जिसमें लिखा हुआ है, और ये इंग्लिश में भी शायद नहीं लिखा। अच्छा यहाँ पे है, ये कोई पहाड़ बना रखे है, देख यहाँ पे नो एंट्री लिख रखा है, लेकिन वहाँ पे प्रवेश निषेध है। अच्छा यहाँ लोग रहते हैं, ये कोई पहाड़ है, इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे शायद वो बना रखा है, ये पौंड है, पौंड छोटा तालाब, वहाँ नहीं जाना, वो प्रवेश निषेध है। पुल में नहीं। तो हम बाहर आ चुके हैं, अब चलेंगे गार्डन के अंदर। पास एक तो बड़ा घर, सो गाइज अब चल रहे हैं इंद्रप्रस्थ पार्क के अंदर, और आपको दिखाएंगे यहाँ कपल्स ही कपल्स आए हुए हैं, फैमिलीज़ के साथ भी आते हैं लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर कपल्स नज़र आएंगे। बच्चों के खेलने का जगह भी है जो अभी आपको आगे दिखाएंगे हम, और बाकी वीडियो को देखते रहना, आपको दिखेगा कि क्या क्या सीन है यहाँ पे। सो यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ आते हो, फैमिली के साथ आते हो, तो बच्चों को यहाँ खेलने के लिए बढ़िया जगह है, बच्चे के साथ बच्चों के साथ बड़े सब खेल सकते हैं यहाँ पे, सही है। ये तू भी तो बच्चा है ना, जाके खेल ले एक बार, जाना। क्या हुआ, और भाई कैसा लगा? ओ हेलो सर जी, थोड़े अपने सब्सक्राइबर्स को भी बता दो कैसा लगे जगह, मतलब ऐसे ही चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो और कुछ नहीं। ये देखो ये स्टार्ट हो गई है, कोई तो समझाओ कि ऐसा नहीं करते बच्चा। अरे कोई समझा लो इन्हें। कुछ मिल नहीं रहा, तो यही। सो गाइस आप जब यहाँ पे आओगे तो ये है डाइनिंग या लंच एरिया जो भी आप कह सकते हो, यहाँ पे अपना ऑर्डर देके खाना खा सकते हो, जो कि हम नहीं खाएंगे, हम अभी अभी आए थे, बड़ा बकवास होता है। यहाँ का ब्यूटी देखकर ही आप समझ सकते हो कितना अच्छा जगह है कपल्स के लिए, हमारे लिए नहीं, हम दोनों सिंगल है भैया। हमें नहीं पता कैसा होता जगह। ओहो हमारा झंडा तो हमेशा ही प्यारा लगता, देख कितना बढ़िया उड़ रहा है भाई, एक नंबर, मजा आ गया कसम से। सो देख सकते हो हमारे इंडिया के झंडे का रुतबा, एक नंबर। सो देख रहे हो गाइज, ऐसा है इंद्रप्रस्थ पार्क अंदर से, और ऐसे हमारे भाई को जलाने का काम आएगा, देखो हमेशा ऐसे जलता रहेगा, देख देख कैसे लगा भैया। देखो जलन देख रहे हो, जलन देख रहे हो। यहाँ पे शाहरुख खान वाला बोलते ना भाई, सरसों का खेत नहीं है ये, नहीं सूरजमुखी जैसा छोटा वाला पोज है। तू क्या हुआ, पोज तो पोज है चाहे शाहरुख खान वाले दे। अब हम चलने के लिए रेडी हो रहे हैं, जो भाई लेके आया है, यहाँ पे खाली कपल है और हम सिंगल लोंडी। हाँ दरिया दिल, अच्छा दिल है। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो फिर हाँ नहीं बोलूंगा वो चीज, दिल दरिया है और तुम। भाई की चल रही है, देख देख के जा, देखो वही हरियाली है, बस भाई के पास नहीं है।
देख रहे मुंह छुपा रहे भाई देख देख के कैसे लग रहे हैं? बकवास भाई, यहाँ पे व्यू देख रहे हैं, हम दोनों कितने अच्छे आ रहे हैं, तगड़ा नजारा है। ओ भाई पत्ते कैसे लाल लाल हैं? पता नहीं रॉन्ग गली, हम गलत जगह वो बहुत ज्यादा गलत जगह लग रहा है बेटा, सबका थोड़ा बल्लार कर दूंगी क्या सबको? जी जी आप सेटिंग लाने, सेटिंग लाके घूमे, तुझे क्यों इतना टेंशन हो रहा है? मुंह ब्लर कर दे रही है क्या? हाँ तू बोल ले, ये यही तो चाहिए। नहीं नहीं तेरा बैठ धोना है। इमोशनल डैमेज। आजा अब आना नहीं, फिर तू कहेगा कि मेरा पिछवाड़ा ही पिछवाड़ा। जब तू होगा तो ऐसा होगा भाई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जब होगा तो ऐसा होगा, फैमिली होगी तो ऐसी होगी। अरे यार वो क्यों हो रहा है इसमें? वो क्या क्या बोलते हैं, वो होता है ना स्नैक बनता है सीधा। इमोशनल डैमेज क्या मतलब? क्या, वही तो मैं जैसे राउंड कर रहा हूँ ना तो स्नैक जैसा बन रहा है। मतलब कुछ मतलब नहीं, चल तू चल, तू चल ट्रेन से ही आए साढ़े। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ओ भाई ये कूद जा। अरे कहाँ आ गए हम? स्टेशन आ गए। ट्रेन के डब्बे, उसमें से निकले वो सवारी। भाई को थोड़ा कैमरा चलाना आता नहीं है, इस वजह से थोड़ा ढीला है कैमरे में ये। अरे वो बिल्कुल सेक नहीं करा हुआ, देख ले कैमरे। सेक करने का बात नहीं है, सब कुछ कट जाता है तुमसे। सेक तो हम भी नहीं करते हैं। हेलो बोलो। ये कैसे पत्थर हैं भाई? ये कैसे पत्थर रखे हुए हैं? अच्छा इसमें वो होगा, जैसे तो तुम किसे प्यार करते हो ना, तो उनका नाम नाम लिखोगे तो ये बहुत बड़ा होगा। तुम जब आओगे नेक्स्ट टाइम उनसे उससे मिलके अगली पीढ़ी आएगी, देखिए मेरे बाप ये कारनामे कर रखे। हाँ तुम्हारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे। हाँ बच्चे बताऊंगा क्या कहना, ये क्या हो रहा है पापड़ से? वहाँ पे कुछ है, देख वो देख, वो तुम देख भाई, वो भाई देख रहे हैं कितने छोटे छोटे लोग हैं वहाँ। पब्लिक देख दूर तक देख, दिख भी नहीं रहे इतने छोटे हैं भाई। जंगल में पहुँच गए हम भाई, जंगल में पहुँच गए, छोटे छोटे क्लेरीज वाह भागते हुए। ये तो पास जाकर ही पता चलेगा ना ये है क्या चीज। कहाँ कहाँ जाते हैं यार? कुछ ये चेहरा बना हुआ देख, तो बहुत सारी आंखें और चेहरा बना हुआ है। देख इसमें चेहरा बना हुआ है, दिख रहा है क्या? हाँ देख इसमें भी बना हुआ है, देख इसमें कितनी सारी आंखें हैं। अरे इसमें शाइंगन सब चमक गए। तो गाइस फाइनली हमने पूरा पार्क खत्म कर दिया है और पूरा घूम चुके हैं, जल चुके हैं, जितनी जल्दी थी जितना फूकना था फूक चुका है। अब हम नहीं सहा जा रहा है, अब हम यहाँ से भाई की खूब जली है।
तो पूरे जलन देखने के लिए, ब्लॉग को खत्म करने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए चलते हैं। सलाम।